दोस्तों, ये मेरे मलेशिया सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मलेशिया वीज़ा की। आपको पता ही होगा कि मलेशिया वीज़ा दो टाइप का देता है, एक ई वीज़ा देता है और दूसरा देता है वीज़ा ऑन अराइवल। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम जो है अपने घर पे बैठे मलेशिया का ई वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मेरा फेसबुक पेज है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि इसमें आपको बहुत सारी ढेरों सारी जानकारी देंगी देश विदेश की। तो चलिए, आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप कैसे मलेशिया के साइट पे जा कर के खुद से वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मलेशिया वीज़ा कैसे घर बैठे अपने लैपटॉप पे या मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जो मलेशिया वीज़ा का वेबसाइट है वो लिंक जो है नीचे मैंने दे दिया है, वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके इस विंडो पे आ सकते हैं। याद रहे कि आप जो भी विंडो पे दिया गया है उसी पे क्लिक करें, क्योंकि आप अगर कहीं गलत विंडो पे क्लिक करते हैं तो अनेक जो है फेक वेबसाइट चल रहे हैं और आपका पैसा लॉस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैंने जो लिंक दिया है उसी पे ही क्लिक करें। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस विंडो का नाम है www.windowsmalaysia.my.evisa.evisa.gs पे, यानी जो लिंक मैंने दिया है उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसका ऐसा पेज खुलेगा और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको मलेशियन लैंग्वेज चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश कर सकते हैं, मलेशियन चाहिए तो मलेशियन। यहाँ पे लिखा है चेक ई वीज़ा ऑब्लिक इन ट्राई वीज़ा। ठीक है, इन ट्राई वीज़ा क्या होता है पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअली मलेशिया दो टाइप का वीज़ा प्रोवाइड करता है, एक वीज़ा ऑन अराइवल और दूसरा ई वीज़ा। ई वीज़ा के अंतर्गत में इन ट्राई वीज़ा आता है, जो कि जब इशू होता है और आप इशू होने के बाद में जब आप मलेशिया में एंट्री करते हैं तो 15 दिन वहाँ पे रह सकते हैं। उसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अबाउट इन ट्राई वीज़ा का दिया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इन ट्राई वीज़ा क्या है, ये इंडिया के लिए है और इसके बारे में इन्होंने पूरा दिया हुआ है। आपको अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो यहाँ पे ऐसे पूरे को कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद में आप गूगल ट्रांसलेट में जा कर के पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कॉपी करिए और यहाँ पे ले जा कर के पेस्ट कर लीजिए और आपको पूरा यहाँ डिटेल दे देगा। जैसे यहाँ पे इंट्राई वीज़ा क्या है उन्होंने लिखा है हिंदी में, इधर इंग्लिश में दिया है, इधर हिंदी में, कि इलेक्ट्रॉनिक यात्रा पंजीकरण या इंट्राई ऑनलाइन पंजीकरण एक सुविधा है जो है जिसमें इंडियन को इन्होंने छूट दिया है और जो है इंडियन को छूट दिया हुआ है और 15 दिन तक ही आप इसमें रह सकते हैं। ये लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक ये इंट्राई वीज़ा धारक 15 दिनों तक रहने का अधिकार है और इसी का डेट बढ़ाया नहीं जा सकता। दरअसल कभी कभी लोग जैसे जाते हैं सिंगापुर वगैरह या कोई ऐसी दिक्कत पड़ती है तो अपने वीज़ा को वो डेट बढ़ा लेते हैं, पर इसमें आप 15 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर आप जो है 15 दिन का ही यात्रा के है या जो है उससे कम का है तो ये वीज़ा बहुत ही बढ़िया है और इसका शुल्क भी कम है। ये सुविधा 1 जनवरी 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक अवेलेबल है। और आप इसमें कहाँ से एंट्री कर सकते हो, आप भारत से डायरेक्ट जा सकते हो या सिंगापुर से जा सकते हो, थाईलैंड से या ब्रुनेई के माध्यम से आप सीधा इस वीज़ा को लेकर के आप जा सकते हो। लेकिन इसमें और क्या रहना चाहिए आपको, साथ में आपका एयरफेयर टिकट, कहाँ रहोगे, ये सारी चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप बाय लैंड जाना चाहते हो तो कैसे जा सकते हो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपी करिए और उसके बारे में भी यहाँ चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर एयर के थ्रू जाना चाहते हैं, सॉरी, अगर आप यहाँ पे जो है बाय रोड जाना चाहते हैं तो सुल्तान इस्कंदर बिल्डिंग इमिग्रेशन चेक पॉइंट जौहर बार, वहाँ पे जो है मैंने उसका वीडियो बनाया है, वहाँ से जा सकते हैं।
सुल्तान अबू बकर चेक पॉइंट से भी जा सकते हैं, पादंग विसार चौकी परलेस से। यानी ये सारे जो दिए हैं ये कब हैं, जैसे आप थाईलैंड से, ब्रुनेई से या सिंगापुर से जब इनके कंट्री में एंट्री मारते हैं तब के लिए ये चीज़ है, और वैसे तो आप कहीं से भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ई वीज़ा के बारे में। तो ई वीज़ा का भी PDF मैंने दिया हुआ है, आप उसे चेक कर लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर मलेशिया ई वीज़ा। इसमें देखिए, इन्होंने एक तो इंट्राई वीज़ा 15 दिन के लिए है, दूसरा है कि आप 30 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं, और 30 डेज़ का आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी ले सकते हैं। सिंगल एंट्री का वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप किसी देश में एक बार एंट्री कर लेते हैं, तो आप जब दोबारा जो है उस देश में एंट्री करते हैं तो आपको दोबारा से वीज़ा लेना पड़ता है। और मल्टीपल एंट्री का होता है कि आप 30 डेज़ के अंदर कितनी भी बार उसमें एंट्री कर सकते हैं। और एक होता है स्टिकर वीज़ा, जो कि 6 महीने के लिए मिलता है, वो आपके एम्बेसी से जाके लेना पड़ता है, और वहाँ पे जो है उसके थ्रू आप जो है कितनी बार भी एंट्री कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि मलेशिया का जब आप वीज़ा स्टिकर वीज़ा लेते हैं तो लगभग 6 से 7 हज़ार पड़ता है, तो मेरे ख्याल से आपको उस पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ले लें, ये बहुत ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने दिया है नेम ऑफ मलेशिया वीज़ा, इसमें केवल 15 दिन रह सकते हैं, और सिंगल एंट्री वीज़ा 30 डेज, और 30 डेज मल्टीपल एंट्री होता है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है। और आप कहाँ से इंटर हो सकते हैं, तो इन्होंने किया है इंडिया से जा सकते हो, थाईलैंड से, सिंगापुर से, और ब्रुनेई से, ठीक है। अप्लीकेशन आप अप्लाई करते हो तो 1 से 2 वर्किंग डे में आपको वीज़ा मिल जाता है, ये सिंगल एंट्री का। और ये 30 डेज़ वाला ई वीज़ा चाहिए तो 2 से 7 दिन, और ये 2 से 7 दिन मल्टीपल का भी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना टाइम नहीं लगता है, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे के अंदर इंट्राई वीज़ा मैंने लिया था और मेरे मेल पे आ गया था। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि क्या क्या होना चाहिए आपको अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो। ओरिजिनल पासपोर्ट, जो कि 6 महीने का वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेशन टेकन विद द लास्ट 6 मंथ, आपके पास जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ट्रैवल आइटनरी शोइंग फ्लाइट डिटेल्स, आपके पास कंफर्म एयर टिकट होना चाहिए, और निकलने का आप चाहे जिस देश में निकलो, चाहे सिंगापुर निकलो, चाहे इंडिया निकलो, लेकिन आपके पास रिटर्निंग टिकट होना बहुत ज़रूरी है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, यानी आप कहाँ पर रहोगे उसके होटल की बुकिंग। बात करते हैं फ़ोटोग्राफ के साइज़ की, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ की साइज़ दिया है 35 mm, यानी जो विड्थ है वो 35 होना चाहिए, और 50 mm इसकी हाइट होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ कलर होना चाहिए, और ये जो है विदाउट बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, 60 से 70% आपका फेस दिखना चाहिए, और शार्प और क्लीन होना चाहिए। इसकी साइज़ जो है 35 cm × 5 cm होना चाहिए, वो दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें थी वीज़ा के बारे में। अब हम चलते हैं इनके वेबसाइट पे, और हमें क्या करना है। अगर आप पुराने यूज़र हैं तो आपको पता ही है, अगर नए यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है IMA New। जब यहाँ IMA New पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अपना नाम डालना पड़ेगा, जो भी नाम है। जैसे यहाँ पे देखिए, इन्होंने दिया हुआ है कि इनका नाम जो है, यहाँ पे ये देखिए कॉलम दिया हुआ है, तो आपका नाम जैसे यहाँ पे राम है तो राम डालिए, और सिंह है यहाँ पे तो सिंह डालिए। नेशनलिटी आपको इंडिया के हैं तो इंडियन ही डालना पड़ेगा। आपका पासपोर्ट नंबर, जेंडर में आप हैं मेल तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल। आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो। यहाँ पर एड्रेस वो डालिए जिस एड्रेस का आपका पासपोर्ट बना हुआ है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मतलब आपको दूसरे एड्रेस का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। दरअसल जैसे किसी किसी का एड्रेस होता है पासपोर्ट पे अलग, और रहते कहीं और हैं, तो मेरे ख्याल से आप यही डालिए, क्योंकि आपके मेल पे आएगा तो उस एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे आप डालिए अपना पोस्टल कोड, जैसे आपका जो भी सिटी में रहते हैं उसका एक पोस्टल कोड होता है, और यहाँ पर आप सिटी का नाम डालिए, कंट्री का नाम डालिए, और अपना मोबाइल नंबर डालिए। आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, वो ईमेल आईडी डालिए जिसे आप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो ईमेल पे आपको भेजें तो आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, तो वीज़ा यहाँ पे आपको मिलेगा, तो इसलिए आप कोई एक्टिव ईमेल दीजिए। पासवर्ड आप अपना यहाँ कोई भी डालिए,
और वही यहाँ पर पासवर्ड डाल करके ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए और रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इनके जाना है दोबारा से होम पेज पे। ठीक है, अभी यहाँ पे रजिस्टर लिखा है इसलिए होम पेज नहीं जा रहा है, तो इसको आप इतना हटाइए और ये जीएसपी तक, और फिर से इंटर मारिए। तो आप इनके आ गए होम पेज पे, और होम पेज आने के बाद में यहाँ पे रिटर्निंग यूज़र पे आप जब वहाँ पे आप जाते हैं तो आप साइन इन करिए, और साइन इन करने के बाद में उनके इस पेज पे आप आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपके अंदर कन्फ्यूज़न ये होता है, यहाँ पे दो वीज़ा दिया हुआ है, एक तो है मलेशिया इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा और एक है यहाँ पे वीज़ा वेवर प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए लिखा है इंट्राई मलेशिया और ई वीज़ा मलेशिया, दोनों में फ़र्क क्या है। इंट्राई वीज़ा को मैंने आपको बता दिया, दिस फैसिलिटी ऑफर टू इंडियन नेशनल रेजिडेंस 10 अप्रैल 2018 से 31 दिसंबर 2019 जैसे पहले ही बता दिया। और यहाँ पे आप कहाँ से एंट्री कर सकते हैं, इंडिया से कर सकते हो, ब्रुनेई से कर सकते हो, सिंगापुर से और थाईलैंड से। इस देश में आप इस वीज़ा के थ्रू लैंड से यानी ज़मीन से बॉर्डर के थ्रू और फ्लाइट के थ्रू दोनों कर सकते हो। प्रोसेस है इसका फीस $20 और नॉट इंक्लूडेड ऑफ कन्वेंशन नॉट इंक्लूज। यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी जो है $20 है और जो इनका कन्वेंशन फीस होता है वो इसमें ऐड नहीं है, तो थोड़ा सा आपका और लग सकता है। आई थिंक बात करें तो 1800 से 2000 रुपया पड़ता है। और अगर ये वीज़ा लेते हैं आपको तो ये 30 डेज़ का वीज़ा होता है, और इसमें आप जो है 30 डेज़ वीज़ा में आपको $25 प्लस 1150 और देना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि $25 और 1150 तो ये 3000 के समथिंग पड़ता है। लेकिन आप इसमें 30 दिन तक रह सकते हैं सिंगल एंट्री का, मल्टीपल एंट्री का भी उतना ही है शायद। तो ये आप ये वीज़ा लेना चाहें या ये ले लें, मेरे ख्याल से ये वीज़ा लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो जो भी वीज़ा आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आता है, यहाँ पे अप्लाई नाउ करना है आपको, और इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या इसका सिस्टम है, और जो जो डेट बंद है वो डेट का इन्होंने बताया कि 14-15 अप्रैल ऐसा सब बंद रहेगा, तो वो है, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करिए। फिर आते हैं आप टूरिस्ट पे, आपको टूरिस्ट पे जाना है, स्टूडेंट हैं ये हैं जो भी है आपको, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक किया और यहाँ पे इनका पढ़ लीजिए, इन्होंने किया है कि ये जो है 30 डेज़ का सिंगल और मल्टीपल एंट्रीड है और आप इसके अलावा कोई वर्क नहीं कर सकते, ये सब है। प्रोसेस पे जाएंगे, इसके बाद में प्रोसेस पे जाने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो कैसा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। पहले भी मैंने फ़ोटो के बारे में बता दिया कि ये लंबाई 50, चौड़ाई 30 या 35 mm चलेगा, और 70% ये फेस दिखना चाहिए, फ़ोटो में कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है कि बॉर्डर नहीं चलेगा, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फेस इतना क्लियर दिखना चाहिए। यहाँ पे आप उसे अपलोड करिए, क्योंकि मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ और आगे के पेज पे भी नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे अभी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट पे जाना है, पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसा पासपोर्ट आपको रखना है, वो भी यहाँ पर बताया हुआ है कि ये फ्रंट पेज होना चाहिए, एकदम क्लियर, ऐसे ब्लर नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा, और इस तरह से पूरा जो डिटेल है ये चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको पासपोर्ट ऐसे और बैकग्राउंड और आगे का दोनों का ऐसे रखना है। तो यहाँ पे पासपोर्ट इसी तरह, और यहाँ पे भी दूसरा पासपोर्ट का जो बैकग्राउंड है वो भी इसी तरह से क्लियर रखना है। याद रखिएगा आप इसका दो फ़ोटो रखिए, और इसका जो यहाँ पे डिटेल लिखा होता है वो भी एक फ़ोटो रखिए, अगर तीन चाहिए तो तीन और दो चाहिए तो दो ही फ़ोटो अपलोड करिए, हालांकि दो एक की ज़रूरत है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, पूछ रहा है कि फ़्लाइट टिकट, आपको पहले ही बताया था कि फ़्लाइट टिकट ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको फ़्लाइट टिकट रखना है। लेकिन इन्होंने कहा है कि आप जो भी फ़्लाइट टिकट देंगे वो PDF के साथ होना चाहिए, और कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं, कहाँ निकलेंगे, इसका यहाँ पे पूरा डिटेल डालना है। सपोज़ दैट आप मलेशिया में एंट्री कर रहे हैं तो मलेशिया
अगर आप मलेशिया से जो है लंकावी या और किसी स्टेट वहाँ पे जा रहे हैं स्टेट में, तो उसका टिकट होना चाहिए, या आप कुलालमपुर से ही बाहर जा रहे हैं सिंगापुर या जो भी, तो वो टिकट होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपने जो है अकोमोडेशन यानी जो होटल बुक किए हैं उसका फ़ोटो, और यहाँ पे अदर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप है कुछ तो वो डाल सकते हैं। लास्ट विजिट कंट्री, अगर आप इसके पहले कहीं गए हुए हैं तो उस कंट्री से जब भी आप निकले हैं पासपोर्ट पे इसका फ़ोटो देख करके जो लगा है मुहर वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे वीज़ा टाइप में आपको डालना है, ये सिंगल एंट्री वीज़ा लेना है कि मल्टी एंट्री वो डालना है, और यहाँ पे पर्पज़ ऑफ स्टे यहाँ पे आपको डालना है टूर, और इसके बाद में यहाँ पे जो एप्लीकेंट हैं उनका ये आ जाएगा, इसके हिसाब से यहाँ पे सरनेम अगर आप सिंह हैं सिंह, यहाँ पे नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल पासपोर्ट में आप मतलब इंटरनेशनल ही है आपका, डॉक्यूमेंट्स में आपको यानी जो इसका पासपोर्ट का नंबर है वो पासपोर्ट नंबर डालिए, कंट्री ये इंडिया डालिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है पासपोर्ट नंबर प्लीज़ फिल करेंट पासपोर्ट यू हैव ओल्ड, अगर आप कोई और भी पासपोर्ट रखते हैं तो यहाँ पे भी डालिए, अगर जैसे किसी का एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ पे करंट वाला डालिए और यहाँ पे एक्सपायर वाला डालिए, ठीक है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है और ये कब एक्सपायर हुआ है, आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है कि आप मलेशिया में कहाँ रुकोगे, होटल का एड्रेस और वहाँ का कोड, ठीक है। जो नहीं समझ में आए आप जो है इससे दोबारा से वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आप मलेशिया में कहाँ ठहर रहे हो, उसका होटल, उसका एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी कुलालमपुर, लंकावी कहाँ पे रहोगे वो डालिए, यहाँ पे भी करंट लोकल एड्रेस यानी आप जहाँ रह रहे हो उसका आपको एड्रेस डालना है, जैसे इंडिया में रह रहे हो, और अगर आपका कोई करंट एड्रेस है वो डाल सकते हैं, मैं कहूँगा कि जो पासपोर्ट पे वही एड्रेस डालिए, और इसे आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आएगा कि जो है नेक्स्ट करने के बाद में ही आपके पास आ जाएगा कि वीज़ा जो है वीज़ा से आप पेमेंट करेंगे या जो है आप पेमेंट करेंगे रुपए कार्ड से। तो जैसे ही आप वीज़ा और रुपए कार्ड से पे करेंगे तो आपका 20 USD या 25 USD जो भी फीस आता है वो कट जाएगा, और उसी में साथ में जो INR उनका फीस बनता है वो दोनों के साथ में कट के आपको 24 घंटे के अंदर या कभी कभी 2 घंटे के अंदर मेल पे आपको वीज़ा आ जाता है। तो ये था मलेशिया के वीज़ा का वीडियो, और नेक्स्ट पेज क्यों नहीं बना आपको पता है, मैंने वीज़ा लिया हुआ है तो मुझे अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर से वही सारा डिटेल भरना पड़ेगा। आप चाहे तो YouTube पे और भी वीडियो हैं उसे आप देख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यही था मलेशिया वीज़ा का वीडियो, और अब हम जो है मलेशिया में एंट्री करने का आपको वीडियो दे रहे हैं, वो है कि हमने उड़ीसा से एंट्री किया है, तो हम पहले थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में बताएंगे, और उड़ीसा के बाद में हम जो है मलेशिया में कैसे एंट्री हुए, मलेशिया से बाय टैक्सी हम क्यों नहीं गए, बाय बस कुलालमपुर में कहाँ कहाँ गए, वो सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें। अगर आपको ई वीज़ा लेने में कोई दिक्कत है या इंट्रा वीज़ा लेने में दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूँगा या मैं आपको वीज़ा दिला दूँगा। तो मिलते हैं फिर एक अच्छे और एक सच्चे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।